हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे उनके जो वीडियो है, उन वीडियो के अंतर्गत हम जो ब्राउन के अपेंडेज है, उन अपेंडेजों को हम 3 लेक्चरों के अंतर्गत है कंप्लीट कर चुके थे। एक लेक्चर के अंतर्गत हमने हेड पार्ट के पढ़े थे, सेकंड लेक्चर के अंतर्गत हमने थोरेक्स पार्ट के पढ़े थे और थर्ड लेक्चर के अंतर्गत एब्डोमिनल पार्ट के पढ़े। आज हम ब्राउन के डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि जो पाचन तंत्र है, उस पाचन तंत्र का क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे इसका ब्राउन का। तो आज हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे, किसका ब्राउन। तो पाचन तंत्र की मैं जैसे ही बात कर लेता हूँ, यानी कि आपका हेडिंग रहेगा वो रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ब्राउन। ब्राउन के जो पाचन तंत्र बात कर लेता हूं कि ब्राउन का जो पाचन तंत्र रहेगा वो कैसा रहेगा, सुविकसित प्रकार का रहेगा। सुविकसित से मेरा क्या तात्पर्य है, यहाँ सुविकसित से तात्पर्य है कि झिल्ली के अंतर्गत मुख से लेकर और गुदा तक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल यानी कि हर हार पाई जाती है। साथ ही मैं अगर कहूँ इसके अंतर्गत इसकी कहें पाचन तत्व होता है वो दो भागों में कंप्लीट होता है, यानी कि हम पाचन तत्व के दो पार्ट करके हम पढ़ेंगे। तो कितने हैं, दो पार्ट है इसके, और वो पार्ट कौन कौन से हैं। फर्स्ट पार्ट है, उस फर्स्ट पार्ट का नाम है एलिमेंट्री कैनाल, और सेकंड जो पार्ट है उसका नाम है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये अपन को अध्ययन करना है, यानी कि इसका करेंगे अपन आहार नाल, और इधर क्या है, ये पाचक ग्रंथि है। इस दो पार्टों के अंतर्गत हम जो ब्राउन है उस ब्राउन के पाचन तंत्र को हम कंप्लीट करते हैं। तो एक यहाँ जैसे अपन हेडिंग ले लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल आहार मार्ग, एलिमेंट्री कैनाल हार मार्ग है। इस हार मार्ग को जो ब्राउन होता है उस ब्राउन के अंतर्गत 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे फर्स्ट इसमें फोर गट, सेकेंड इसमें मिड गट, और थर्ड है इसके अंतर्गत हिंड गट। यानी कि इसमें हम जो हाताल है इसकी प्राण की, उस हाताल को हम फोर गट के अंतर्गत, मिड गट के अंतर्गत, हिंद गट के अंतर्गत हम बांट सकते हैं। इसको अग्र आत्र कहते हैं, इसको मध्य आत्र कहते हैं, और इसको पश्चिम आत्र कहते हैं। अब इसके अंतर्गत अगर मैं पार्ट की बात करूं तो इसके अंतर्गत जो पार्ट आएगा फोर गट के अंतर्गत वो आएगा एक तो आपके पास सबसे पहले बात कर लेता हूं माउथ यानी कि मुख, मुख गुहा, मुख गुहा, और इसके अंतर्गत आएगा ग्रसिका इसोफेगस, और एक इसके अंतर्गत आएगा आमाशय, और इसके मध्य आंत्र के अंतर्गत आएगा आंत्र जिसे इंटेस्टाइन के नाम से जाना जाता है, और इसके अंतर्गत आएगा रेक्टम यानी कि मलाशय और गुदा। अब ये कुछ आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, और इस डायग्राम क्या है नामांकित मैं करता हूं, और ये ब्राउन के जो पाचन तंत्र है उसका एक डायग्राम मैंने बनाया है। आपको पाचन तंत्र के अंतर्गत इस प्रकार से डायग्राम है वो बनाना है। जैसे कि आपको दिखना होगा बाहर से, ये एक ब्राउन की संरचना होती है, इसके अंतर्गत ये आगे की ओर ये
निम्न भाग में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं माउथ की मुख, यानी कि आपका मुख क्या हो जाएगा, टेढ़े हो जाएगा। मुख पे लिखना होगा ये माउथ, तो माउथ का प्रोजेक्ट होता देखो रोस्टम के नीचे अदर साइड में एक दरार नुमा संरचना होती है, उस दरार नुमा संरचना को मुख के नाम से जाना जाता है, जिसके द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है। इतनी जो चीज मैंने बोली है वो किसमें लिखना होता है, मुख में लिखना होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारा एलिमेंट्री के नाम का अलग कहा जाएगा मुख गुहा, जिसे वकल कैविटी के नाम से जाना जाता है। और वकल कैविटी में क्या लिखना है, मुख पीछे की ओर एक गुहा नुमा संरचना में खुलता है और उस गुहा नुमा संरचना को वकल कैविटी यानी कि मुख गुहा के नाम से जाना जाता है। मुख गुहा का जो अग्र शिरा होता है वो मुख से अटैच रहता है और जो पश्च शिरा होता है वो किससे अटैच रहता है, वो ईसोफेगस यानी कि ग्रसिका है, उस ग्रसिका से अटैच रहता है। उसके बाद में फिर हम अपना आ जाता है ईसोफेगस, जिसे मतलब ग्रसिका के नाम से जाना जाता है। तो ग्रसिका के बारे में क्या लिखना है कि यह एक पतली नलिका नुमा संरचना होती है और साथ ही जो मतलब आमाशय को जोड़ने का कार्य करती है और इसमें कई सूप पाए जाते हैं, पाते नुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है एक नलिका और इसमें इस प्रकार से सूप यानी ग्रिस्टल्स पाई जाती है। तो ये जो क्या करेगी, भोजन को आगे खिसकाने का कार्य करती है। ये अपन ने किसके अंतर्गत लिख दिया, ग्रसिका के अंतर्गत लिख दिया है। अब उसके बाद में हम करते हैं आमाशय की बात। अब आमाशय किसके, ग्रसिका के बाद में आने वाला भाग होता है और ये कैसी होती है, थैले नुमा स्ट्रक्चर होती है, थैले जैसी संरचना होती है और इसके अंतर्गत जो भोजन है उसका क्या होता है, पाचन होता है। और इस के अंतर्गत दो भाग आते हैं इसके आमाशय के, एक भाग को कार्डियक यानी कि दंडागम और दूसरे भाग को पाइलोरिक भाग के नाम से जाना जाता है। कार्डियक जो भाग होता है इसके अंतर्गत कई कैल्शियम से बनी हुई प्लेटें पाई जाती है जो भोजन को क्या करती है, ये पीसने का कार्य करती है। और जो प्लेटें हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित रहती है और इन प्लेटों में जो स्थिति होती है वो इस प्रकार से होती है, मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूँ और उस डायग्राम के द्वारा जो कार्डियक पार्ट है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या बना देता हूँ, उसका डायग्राम बना देता हूँ किसका, कार्डियक पार्ट का, और वो डायग्राम देखेंगे तो अपन डायग्राम की बात कर रहे थे। तो डायग्राम किसका पूछा था, ये डायग्राम देखना क्या बन के तैयार हो गया है और ये है कार्डियक यानी दंडागम है। उस दंडागम के अंतर्गत मैंने बताया है कि इसमें अनेक क्यूटिकल की क्या होती है, प्लेट होती है और जो क्यूटिकल की प्लेट होती है वो कई प्रकार की होती है, यानी कि इसमें से कम चार पांच प्रकार की है वो क्यूटिकल की इसमें प्लेट पाई जाएगी। और उन क्यूटिकल की जो प्लेट होती है उसमें से सबसे पहले जो आती है उस प्लेट का नाम है सर्कुलर प्लेट, जिसे अपन वृत्ताकार प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। अब इस वृत्ताकार प्लेट में यानी कि आपको क्या लिखना था, स्टोमच, और स्टोमच में लिख दिया था हमने थैले नुमा संरचना होती है और इसके दो भाग होते हैं, एक तो कार्डियक पार्ट होता है और एक कौन सा होता है, पाइलोरिक। कार्डियक पार्ट अपन हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखना होगा कि जो कार्डियक भाग होता है यह आमाशय का अग्र एवं चौड़ा भाग, ऐसा होता है आगे की तरफ पाया जाता है अग्र व चौड़ा भाग होता है और इसमें कई क्यूटिकल है, उस क्यूटिकल की क्या पाई जाती है, प्लेटें पाई जाती है। अब ये जो
पाइगेट स्टोमच की जो कि जो ईसोफेगस होता है, जो ग्रसिका होता है, उस ग्रसिका जो छिद्र होता है उसके मतलब के पास में पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये ग्रसिका है उसका खोलने में करता है। और साथ ही अगर कहो ये जो ग्रसिका से अटैच रहती है और सर्कुलर प्लेट, और यानी कि जो ग्रसिका और सर्कुलर प्लेट में आकर ही खुलती है। उसके बाद में आती है इसमें लेंसुलेट प्लेट। इस लेंसुलेट जो प्लेट है इसको बल्लाम कार के नाम से जाना जाता है। और ये बल्लाम कार जो प्लेट होती है ये कार्डियक भाग होता है उसके दोनों ओर पार्श्व में पाई जाती है। साथ ही इसकी जो आकृति होती है वो आकृति हसियाकार होती है, यानी इस प्रकार से हसियाकार होती है और ये भोजन को पीसने का कार्य करती है। उसके बाद में जैसे ही पढ़ेंगे इसके अंतर्गत हम इसको सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, इसमें फर्स्ट ये सेकंड, फिर इसका हम लेते हैं नंबर हैंडस्टेट प्लेट का। हैंडस्टेट जो प्लेट होती है वो एक त्रिभुजाकार आकृति की होती है। कैसी होती है भाई? त्रिभुजाकार आकृति की होती है। और जो कार्डियक भाग होता है उस कार्डियक भाग की जो फर्श होती है उस फर्श के मध्य में पाई जाती है। ये वाली जो प्लेट है इसको कार्डियक क्या नाम से हैंडस्टेट प्लेट के नाम से जाना जाता है। और इस पर कई इस प्रकार की जो संरचनाएं आपको दिख रही है इन संरचनाओं को वृष्टि या सूखे के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये क्रिस्टल्स होते हैं, ये सूखे होते हैं, ये क्या करते हैं भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। जस्ट इसके बाद हम जैसे बात करते हैं कि जो हैस्टेड प्लेट होती है इसके ऊपर ही कोम्ब प्लेटें पाई जाती है। और ये कोम्ब प्लेटें होती है जो मतलब ऊपर की ओर जाकर दोनों पास में हैस्टेड प्लेट है उसके पास पास से चलती है और ऊपर की ओर जाकर ये दोनों एक हो जाती है, यानी कि मिल जाती है। और इसमें भी कई सूखे पाए जाते हैं। साथ ही इसके अंतर्गत इसके पास में ये गाइडिंग यानी कि निर्देशक कंटक पाए जाते हैं। निर्देशक कंटक के को नाम से जाना जाता है, गाइडिंग रिब के नाम से जाना जाता है। ये निर्देशक कंटक होते हैं और ये निर्देशक कंटक होते हैं ये भोजन को छानने का कार्य करते हैं। साथ ही इसमें मैंने बता दिया आपको जो कोम्ब प्लेट है इसमें भी सूखे पाए जाते हैं। कोम्ब का मतलब होता है कंपत, और कंपत का मतलब होता है जैसी संरचना पाई जाती है सूखों की जो व्यवस्थाएं होती है। उसके बाद में ये जो प्लेटें होती है कोम्ब जो प्लेटें होती है ये आपके वेंट्रल और लेटरल जो छिद्र होते हैं उनके द्वारा यह ओपन होती है। यानी कि यहाँ पर नीचे की साइड होगा वो तो कैसा होगा वेंट्रल कोर, और ये होगा जो आपके कौन सा होगा लेटरल कोर, और ये जो होगा इसको बोला जाता है कार्डियो कार्डियो पाइलोरिक पोर, जो कि कैसा होता है ये देखो। इस प्रकार से एक एक्स आकृति का होता है। यहाँ पर ये जो अपने पोर को मतलब छान के करेगी तो ये जो पोर होगा ओपन होगा वो वेंट्रल पोर के नाम से जाना जाएगा, और ये जो पोर होगा ये पार्श्व है ये लेटरल पोर के नाम से, यानी कि इसके अंतर्गत जो भोजन होगा ये वाला जो भाग होगा ना ये पीछे का जो भाग है ये किसके अंतर्गत आता है पाइलोरिक भाग के अंतर्गत आते हैं। और फिर ये जो ओपन होती है ये किसके अंतर्गत कार्डियोपल्मोनरी पोर होता है, यहाँ पर इसके लिए ओपन हो जाती है। और इसके पीछे से ये जो चित्र होगा ये आपके मिडल गट स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया कि इसके अंतर्गत पाइलोरी चौड़ा भाग होता है और इसमें निम्न प्लेटें पाई जाती है सर्कुलर प्लेट जो कि आगे की ओर होती है। साथ ही अगर देखा हो तो ये वृत्ताकार होती है और ग्रसिका भी इसी के द्वारा ओपन होती है। उसके बाद में लैंसुलेट प्लेट पाई जाती है जो कि किसके कार्डियक आमाशय होते हैं उसके पार्श्व भागों में बंद पेयर होती है।
उसके बाद भी इसने हेस्टेड में त्रिभुजाकार मध्य अमावस्या के पक्ष पर पाई जाती है और इस हेस्टेड प्लेट को है जो कुंभ प्लेट है जो घेरे हुए रहती है। हेस्टेड प्लेट के अंतर्गत है जो महंगे सूप पाए जाते हैं जो भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। साथ ही मैं कहूँ कुंभ प्लेट है जो हेस्टेड प्लेट के ऊपर है जो पाई जाती है और इसकी संरचना है कुंभ यानी कंकत जैसी होती है, इसी से इसका मतलब नाम पड़ा हुआ है। और ये दोनों ओर से देखो पास में से जाती है और ऊपर जाके मिल जाती है। इन्हीं के यहाँ से निर्देशक कंठ तक पाए जाते हैं और निर्देशक कंठ तक है और ये एक्सटेंट प्लेट है ये वेंट्रल ओर के द्वारा उत्पन्न होती है, ये लेटरल के द्वारा ओर ले जाएगी और ये फिर वेंट्रल और लेटरल ओर है जो कार्डियोपैल्विक ओर के द्वारा ओपन होती है। तो इस प्रकार से ये किसकी संरचना है, अपने पास एक जठरागम की संरचना है और इस जठरागम की संरचना से जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास जो संरचना आएगी और वो जो संरचना आएगी उसका नाम है पाइलोरिक पार्ट। तो पाइलोरिक पार्ट की हम जैसे ही बात करते हैं यानी कि ये आपको ओपन हो जाएगा, ये पाइलोरिक पार्ट है जहाँ पर इस प्रकार से संरचना पाई जाती है पाइलोरिक पार्ट की। ये इस प्रकार से पाइलोरिक पार्ट की संरचना होती है, थोड़ा और उभार की ओर पाया जाता है पाइलोरिक पार्ट में ही और इसके अंतर्गत ये दो भाग होते हैं पाइलोरिक पार्ट है। उस पाइलोरिक पार्ट का एक जो भाग होता है उस भाग का नाम है जो कहलाता है आपके पास दो सल चैम्बर और ये कहलाता है आपके वेंट्रल चैम्बर। वेंट्रल चैम्बर कहलाता है और इस पर ये क्या पाए जाते हैं फिल्टर पाए जाते हैं और ये जो फिल्टर होते हैं यानी कि फिल्टर पार्ट होता है इसको फिल्टर पार्ट के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की उभार हमारी संरचना होती है और ये जो फिल्टर पार्ट होते हैं ये निषेचन का कार्य करते हैं यानी कि भोजन को छानने का कार्य करते हैं। यानी कि जैसे ही इसका कार्य निष्क्रमण पार्ट में ये वाला जो पार्ट होता है वो कार्य में जाएगा और ये अलग पाइलोरिक में जाएगा। इसकी जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है यानी कि डोर्सल तो सबसे पहले जो भोजन आता है वो क्या है इसका वेंट्रल पार्ट में आता है और वेंट्रल चैम्बर फिल्टर से मतलब छन जाता है, छन जाने के बाद में वो जो भोजन है वो डोर्सल चैम्बर में जाता है और डोर्सल चैम्बर से ही फिर ये इसे निकलकर कहा जाता है इंटेस्टाइन के अंतर्गत आ जाता है जो कि क्या होता है जो मिडगट होता है उस मिडगट का पार्ट होता है। अब मिडगट को हम जैसे ही पढ़ते हैं इंटेस्टाइन यानी कि इसका अगला पार्ट अगर यहाँ देखते हैं तो कौन कौन सा हमने पढ़ लिया था मुख मुख गहिका ग्रसिका आमाशय और आमाशय के हमने दोनों पार्ट कर लिए कार्डियक पढ़ लिया पाइलोरिक पढ़ लिया। अब हमारा जो अगला पॉइंट आएगा इसका मुख मुख गहिका आमाशय ग्रसिका और अब पांचवा जो पॉइंट आएगा वो आएगा आंख जिसको इंटेस्टाइन के नाम से जाना जाता है। ये इंटेस्टाइन जो आंख होती है ये यहां से इसका जो पाइलोरिक पार्ट से लेके और इसका जो रेक्टम तक जो पार्ट होता है एब्डोमेन यहाँ तक क्या पाया जाएगी इसके अंतर्गत इंटेस्टाइन पाई जाएगी यानी इसको अपन इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं जिसमें क्या होता है भाई भोजन का अवशोषण होता है। भोजन का अवशोषण करने के लिए कार्य करती है और लास्ट पार्ट करके ये पाया जाता है। फिर उसके बाद में अगर इसमें पहुंचे जाए तो ये रेक्टम आता है और ये रेक्टम है किसका है इंटरनल यानी कि पश्चात्र उसका भाग होता है जिसके अंतर्गत जो अपचित भोजन होता है हाइड्रेट भोजन होता है वो स्टोरेज होता है और फिर समय पश्चात के द्वारा ये एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से अपना जो एलिमेंट्री जो कैनाल है यानी कि फर्स्ट पार्ट है ये क्या होता है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि पाचक ग्रंथियां हैं
साथ ही इसके मैकेनिज्म ऑफ फूड भोजन को ग्रहण करने की जो क्रिया है उसको भी अपन को ग्रहण मतलब पढ़ना है, और इस प्रकार से नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंतर्गत हम डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड इसका कंप्लीट जो डाइजेस्टिव सिस्टम उसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।